अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रस्ट वैलेट अकाउंट बनाने का तरीका कि आपने ट्रस्ट वैलेट अकाउंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाकर लिखना है ट्रस्ट वैलेट। जब आपने ट्रस्ट वैलेट लिखना है तो सबसे ऊपर ट्रस्ट क्रिप्टो बिटकॉइन आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। असल में ट्रस्ट वैलेट क्या चीज़ है? ट्रस्ट वैलेट ऐसा अकाउंट है जैसा कि जैज कैश, इजी पैसा और आपका बैंक का अकाउंट आपके पास होता है, इसी तरह ट्रस्ट वैलेट भी आपका अकाउंट है। इसमें आप यूएसडी, बिटकॉइन या इसके अलावा बीयूएसडी, बीएनबी कॉइन बाइनांस से परचेज करके यहां ले आ सकते हैं। ट्रस्ट वैलेट ऑनलाइन अर्निंग के लिए ट्रस्ट वैलेट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने सबसे पहले नीचे देखना है लेफ्ट साइड पे ओपन का बटन, आपने इसको यहां आकर क्लिक कर देना है। जब आप ओपन के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा वेट करना है, आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है प्राइवेट एंड सिक्योर। आपने ये याद रखना है, आपने क्रिएट अ न्यू वैलेट बनाना है। अगर नया वैलेट बनाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, या अगर नीचे देख रहे हैं आई ऑलरेडी हैव अ वैलेट, अगर आपके पास कोई वैलेट है तो आप वहां क्लिक करेंगे। मैंने न्यू वैलेट बनाना है तो मैं क्रिएट अ न्यू वैलेट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ टिक के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। तो आपसे पूछेगा कि आपने कोई पासवर्ड लगाना है, कोई भी पासवर्ड आप लगा सकते हैं जो आपने किसी से शेयर नहीं करना। तो 6 हिंसों का यहां पर आकर आपने 6 हिंसों का पासवर्ड लगाना है। जब आप 6 हिंसों का पासवर्ड लगाएंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं इफ आई लूज माई सीक्रेट फेज माई फंड विल बी लॉस फॉर एवर, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दूसरे टिक पे क्लिक करना है इफ आई एक्सपोज, और उसके बाद ट्रस्ट वैलेट सपोर्ट विल नेवर रीच आउट टू ask for it। ये कह रहा है कि आपने ये आपके कीज हैं, इस जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके कीज आ जाएंगे जो आपने किसी से शेयर नहीं करने। अगर आपके पास मोबाइल आपका गुम हो जाता है तो आप किसी भी मोबाइल पे जाकर वो कीज लगाएंगे तो आपका ट्रस्ट वैलेट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जब मैं इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास जो 12 कीज आएंगे, ये मैंने क्लिक किया और 12 कीज आ गए, आपने इसको का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा। तो आपने दूसरे मोबाइल से इस पिक्चर उतार लेनी है और इसको सेव कर लेना है। और आपने ये देखना है जिस तरतीब पे ये लिखा हुआ है आपने उसी तरतीब पे लिखना है, और ताकि आपका वैलेट बन सके। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और तस्वीर भी उतार लेता हूँ ताकि मेरे पास ये सेव हो सके। तो मैंने जब तस्वीर उतार ली तो मैं उस पर देखता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ पहले लिखी है। वो उसी तरतीब के साथ आपने ये सारे वेरीफाई सीक्रेट फ्रेज आपने यहां कर देने हैं, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपने अनेबल कर देना है। तो ये देख सकते हैं आपके पास आपका ट्रस्ट वैलेट अकाउंट तैयार हो गया है। और आपने अब देख लेना है कि आपने कौन सी करेंसी पे काम करना है। मैंने फोर्सेज या हेलो एक्स पे काम करना है, ज्यादा मैंने हेलो एक्स पे काम करना है। तो आपने वो वाले टोकन को रहने देना है, बकाया टोकन को ऑफ कर देना है। तो मैं सबसे ऊपर क्लिक करता हूं, मैं देखता हूं BTC भी मुझे नहीं चाहिए, ETH भी नहीं चाहिए और BNB भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए BNB स्मार्ट चेन और इसके अलावा BUSD। ये मैंने BNB स्मार्ट चेन को ओपन ही रहने दिया और इसके अलावा मैं BUSD लिखता हूं, BUSD BEP20। सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, इसको ओपन करके इसको टिक करके आपने बैक आ जाना है। तो आप ये देखेंगे आपके ट्रस्ट वैलेट पे ये BUSD और BNB दोनों ही मौजूद हैं, जिससे आप हेलो एक्स का अकाउंट इजीली बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने बाइनांस से BUSD और BNB स्मार्ट चेन कैसे अपने ट्रस्ट वैलेट में लेके आने हैं। अगर आपको फ्रेंड मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।